मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने ग्वालियर चंबल संभाग में आई बाढ़ को लेकर आईबीसी 24 से खास बातचीत की है। यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा है कि आज भी शिवपुरी में भयानक स्थिति है। उन्होंने कहा कि खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान फोन पर पल पल की जानकारी ले रहे हैं। शिवपुरी में अभी भी पानी नीचे नहीं उतरा है, इसलिए खतरा बना हुआ है। शिवपुरी में इस आपदा की बहुत बड़ी क्षति हुई है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल संभाग जहां सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, शिवपुरी शोपुर सबसे ज्यादा प्रभावित है। खुद यशोधरा राजे सिंधिया जी लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी, खुद रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थी। मैडम अभी क्या स्थिति है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि फिर बारिश हो रही है, फिर माहौल बन रहा है उधर। ये सब डिपेंड करेगा मौसम पे। हमारी बहुत ही भयानक स्थिति है अभी वहां पर। ये सब चीजें अगर इच्छा है और इच्छा शक्ति है तो हम इस चुनौती का भी सामना बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी खुद हर पल पल पे फोन करके पूरा जायजा ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जब स्टेट के मुखिया ही इतनी चिंतित रहे हैं तो मदद हमारी तो बहुत अच्छे से हो रही है। पर पानी नहीं जा रहा है नीचे। जब पानी जाएगा नीचे तभी हम ठोस कार्रवाई कर पाएंगे। फिर भी ये चुनौतियां का सामना करते हुए कल ही तहसीलदार, पटवारी, आरआई सबको, नायब तहसीलदारों को सबको बुलाकर मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। आप देख सकते हैं कि बाढ़ के हालातों को लेकर यशोधरा राजे सिंधिया जी ने कहा है कि लगातार वो मॉनिटरिंग कर रही है और हर किसी को जो जिसका नुकसान हुआ है सरकार उनके साथ खड़ी है, मुआवजा देने के लिए भी हर कोशिश की जाएगी। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, आईबीसी 24 ग्वालियर।